अनम्यूट कर रहे हो? ओके बुलाएं, गृह मंत्री बुलाएं। नमो वित्रागाय। नमो वित्रागाय। नमो अरिहंताणम्। नमो अरिहंतानम्। एक मिनट, जय सर। ओके हेलो। हेलो, हाय। हेलो, बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो नमो वित्रागाय। नमो वित्रागाय। बुलाओ संतोष आनंद जी। संतोष आनंद जी, ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वित्रागाय। नमो वित्रागाय। नमो अरिहंताणम्। नमो अरिहंतानम्। नमो सिद्धानम्। नमो सिद्धानम्। नमो आयरियाणम्। नमो आयरियानम्। नमो उवज्जायाणम्। नमो उवज्जायानम्। नमो लोए सव साहुणम्। नमो लोए सव साहुनम्। ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो। सव पाव पनासनो सव पाव पनासनो। मंगलानं च सवे सिम मंगलानं च सवे सिम। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय ओम नमः शिवाय। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। संतोष आनंद जी, बार बार म्यूट क्यों हो जाता है? ओके, मैं पूछिए। अच्छा, अक्त सूत्र झाड़ू पुस्तक 658। 6.8 क्या है? पेज नंबर की सूत्र नंबर? ओके, सूत्र नंबर अने अक्रम विज्ञान में 1985 मार्च महीनो अने 33मु पानू। बोलिए।
ज्ञान नो प्रकाश छे, प्रकाश थया पछी तप करीश तो तप थी तने मोक्ष थशे, अने आ अज्ञान थी देह मळशे, आ ज्ञान थी देह मळशे, मन तपसे तो तेनु फळ तने भौतिक मळशे, आ तापणी ना ताप थी फळ मळशे। अमा तप कया प्रकार ना तप होय? ज्ञान नो प्रकाश, प्रकाश से प्रकाश थया पछी तप करीश तो तप तप थी मोक्ष थशे, અને આ અજ્ઞાન થી દેહ તને મળશે, પણ મન તપશે તેનું ફળ મળશે, ભૌતિક સુખ મળશે, તો તાપણી ના તાપ થી ફળ મળશે। કયો દાદા કહેતા હતા પંડિત તપ કરો તો સારું, પંડિત તપ એટલે શું? પછી સંતોષ સાંજી, હા જય સચિદાનંદ। हाँ सांभळ्यु, सुना सुना। ओके हाँ एक मिनिट, तब आप तो सूत्र आपो ने पुस्तक में जोईने स्क्रीन पर। हाँ बोलिए आप क्या कहा? हाँ हाँ 608 फिर से बोलिए। 658 बोलिए उसका क्या है? ज्ञान नो प्रकाश से। ओके ओके प्रकाश, हाँ बस ओके। तो साना जी दिखाई देता है? हाँ हाँ दिखाई देता है। एक ज्ञान तो प्रकाश प्रकाश है, प्रकाश होने के बाद तप करते हैं तो वो तप जो यहाँ पे जो तप की बात किया है तब से मोक्ष होगा। तो वो तप जो बात किया है वो अधिक तप की बात किया है कि जो किसी को दिखाई ना दे, वो अधिक तप की बात है। क्योंकि आज तक वो जो दिखाई ना दे वो तप किसी ने किया ही नहीं है। सब लोगों ने बाहर का तप किया हुआ है, उपवास किया, ये किया, वो किया, लेकिन जो किसी को दिखाई ना दे वो तप कभी किसी ने किया नहीं है। कोई दाखला आपको ने कोई एग्जांपल दो ने वो कैसा है? तो के अभी अभी अग्यारस करना है या सोमवार करना है, गुरुवार करना है, शनिवार करना है, तो वो तो सबको दिखाई भी देगा कि भई ये आज पूरे दिन भूखे रहने वाले हैं। लेकिन किसी ने गाली दिया और अंदर जो तप हुआ वो किसको दिखाई देगा? तो मोड़ा पर तो दिखाए ना, मोड़ा रिएक्शन तो आवे ना। हाँ मुंह पे कब दिखता है कि वो तप नहीं होता तभी मुंह पे दिखता है। अगर तप अंदर तप हो गया तो वो मुंह पे नहीं दिखेगा। तो दादा जी दशा था पछी। हाँ तो वही तो बता रहे हैं ना कि ज्ञान तो प्रकाश है, वो प्रकाश होने के बाद जो तप होता है उससे मोक्ष फल मिलता है, क्योंकि वो फिर बाहर दिखता ही नहीं है। और आपने तो दादा भगवान को देखा है, इतना सारा तप था लेकिन कभी मुंह पे कहीं पर भी नहीं आया, कभी भी नहीं आया। हाँ तो क्या वो तप में नहीं थे? ऐसा बोलते थे, हमको तो मालूम है कि हम एक हाथ भी ऊंचा करे उसमें भी तप आता है हमारा। इतले बिल्कुल दशा एमनी एवी हती के देमा भी नहीं रहता था। अभी मालूम हुआ कि देमा नहीं रहते थे, पर वो समय नहीं लगता था। इसलिए दादा भगवान बताते थे कि हमको बात करना, किसी के साथ बात करना ना, वो भी तप है हमारे लिए, क्योंकि उस बात करने के लिए हमें हमारी दशा से बाहर आना पड़ता है। बराबर बराबर। और हमें तो कोई सिर्फ ऊंची आवाज से बात करेंगे ना तो भी अंदर हिल जाते हैं। तो वो अधिक तप की बात बताया, क्योंकि वो अधिक तप ऐसा है कि उसे मोक्ष फल मिलेगा। लेकिन वो अधिक तप होगा कब? पुरुषार्थ से होगा।
जब सही समझ अंदर पक्की फिट होती जाएगी तब अधिकतम होगा। जो ज्ञान का प्रकाश है वो जैसे जैसे अंदर खुला होता जाएगा वैसे वैसे तीर्थंकरों की भाषा का, ज्ञानियों की भाषा का अधिकतम अंदर होता जाएगा, जो किसी को पता भी नहीं चलेगा और अंदर से ऐसा उल्लास आएगा, ऐसा आनंद आएगा कि उसके उसके उसका अनुभव की बात ही अलग होती है। अच्छा अच्छा दीपक आनंद, थोड़ो प्रकाश नाखो ने जरा ज्यादा। दीपक आनंद आ तप मा थोड़ो प्रकाश नाखो ने, अमे कई जगह चुकी है जे तमे को देखो। ऐसा है कि जब तप आता है ना तो पहली बात तो है कि हम उसकी असर में आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं, बराबर आते हैं, और वो तब कोई भी देख पाता है, तो समझ में आ जाता है, देख पाता है। हाँ, और फिर हमारे वाणी से व्यवहार से लीक हो जाता है, बराबर है ये इसका। और ये जो पंडित तप कहा या ज्ञान से जो तप होता है, अधिक तप होता है, वो अधिक तप से आपकी प्रसन्नता जाती नहीं है। अच्छा अच्छा, वो यानी चित्त के ऊपर उसकी असर नहीं आती। अच्छा, जैसे हम देखते हैं दादा को, वो प्रसन्न चित्त ही रहते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि हाथ उठाना है तो भी हमें तप होता है, तो हम तो कई बार कितने हाथ हिला लेते हैं, बोलना है तो कितना कुछ बोल लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा तप ऐसा कुछ लगता नहीं है। लेकिन उनको क्या है, जो मेरी समझ में आता है कि ये सब जो पुद्गल क्रिया है मन वचन काया की, वो मेरी क्रिया नहीं है, उसका कर्ता मैं नहीं हूं, और वो जो क्रियाएं करनी पड़ती है औपचारिकता से भी, तो उनका उनको तप आता था। आप समझे? तो ये विज्ञान की समझ तुम्हारे में 100% हो जाए तब तब आपको मालूम पड़ेगा वो तप अधिक तप है, बराबर? बात सही है। आप गुजराती में बोलिए, ठीक तरह से बोल पाए, बोल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ अधिक तप तमारा मां क्यारे पैदा, विज्ञानी समझण तमारा मां 100% आवे तो तमने अधिक तप मां आवी जाओ। करेक्ट, बात सही है। क्योंकि विज्ञान का मतलब क्या है कि आप देखने वाले ही रहते हैं और बाहर की प्रक्रिया जो मन वचन काया की है उसमें बिल्कुल आप होते नहीं है, और वो होते नहीं है, और एक अपेक्षा से समझने के लिए आपको करनी पड़ती है औपचारिकता निमित्त भाव से। वैसे आप करते तो है ही नहीं, तो भाष्यमान परिणाम होता है ना? नहीं 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 नहीं, वो बात नहीं है। जैसे कि दादा को किसी ने पूछा तो उनको बोलना पड़ता है ना, समझ आता है? दादा को किसी ने पूछा प्रश्न तो बोलना पड़ता है ना, जवाब देना पड़ता है, देना पड़ता है, बराबर है। लेकिन उनको जवाब देने के लिए उनको अपनी भूमिका में से बाहर आना पड़ता है और उनके बराबर उनके लेवल में आना पड़ता है, पूछते हैं उनके लेवल नीचे आना पड़ता है, क्योंकि वे तो कहां ऊपर बैठे है अनुभव की दशा में। आप समझे? समझे बराबर। इसीलिए वो उनको सतत तप था। हमें तो बहुत अच्छा लगता था कि दादा ने हमें बच्चे से समझा दिया, हम समझ भी गए, क्या समझाया दादा ने, क्या स्पष्ट जवाब दिया हमें मिला करके। लेकिन उनके लिए वो सतत तप ही था। तो उससे कहीं बोलने में करने में थे ही नहीं, तो उसके लिए क्या करने का, दादा का ऋण चुकाने लिए क्या करने का? दादा का ऋण चुकाने के लिए बस यह भाव रखो कि दादा जगत कल्याण हो और आज्ञा में रहना है, आज्ञा में रहना है और जगत कल्याण हो, बस ये दो जब
होगा तो दादा ऋण बिल्कुल चुका पाएंगे हम। बराबर है, आज्ञा में रहे वो दादा भगवान का हृदय है और उनका जो जगत कल्याण का भाव है वो उनके लिए आपने आधार दिया। जगत कल्याण हो करके ये जो भावना करते हैं वो आपने आधार दिया। ठीक है, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कोई पूछे ना कि तो दूसरा प्रश्न है। एक मिनट देखने दो, मुझे कोई है? कोई नहीं है, आप बोलिए। 490 वाक्य 490 एक मिनट। 1984 अक्रम विज्ञान कौन सा महीना? ये तो मैं नहीं लिखी पण मैं जाडू पुस्तक करो ने गई वन नहीं तो वो तो आखिर में मैं ढूंढ ही निकालूंगा। ये तो आप बोलते 1984 तो वो महीना चाहिए ना, वो 12 महीना होता है उसमें। मन प्रत्यागाती छे, आपनो आघात केटलो तेना प्रत्यागात छे। आघात बंद करी दईए तो प्रत्यागात पण बंद थई जाय। संतोष आनंद जी 490 हाँ आ रहा है। वो क्या बताते हैं? आघात और प्रत्याघात की बात है। मन प्रत्याघात वो प्रत्याघाती छे, हाँ वो प्रत्याघाती है मन। वो ऐसा क्यों बताया? गुजराती में हाँ ओके। એટલે મન પ્રત્યાઘાતી છે, આપણે આઘાત આપકો હિન્દી મે બોલના પડેગા ભાઈ, યે તો સમજ ગયા ના, ઉનકો તો સમજ લિયા હે મન પ્રત્યાઘાતી હે। આપણે આઘાત કરેલા તેના પ્રત્યાઘાત છે, યાની ક્યા બતાતે હે તો કે મન મન કેસે બંધા હે વો તો હમ જાનતે હે ઓર આજ કા જો હમારા મન હે वो पहला जो हमने अज्ञान दशा में जो अभिप्राय और वो दिया है उसके आधार पर मन बंधा हुआ। तो जितना हमने आघात सहन किया था पहले उस हिसाब से आज का मन बना हुआ है। यानी इस आधार पर बताया कि मन प्रत्याघाती है। आज का मन क्या है? तो वो प्रत्याघाती करता है। तो क्या आपने आघात करेला तेना प्रत्याघात छे, यानी पहले जो हमने आघात किया था उसके आधार पर अभी वो प्रत्याघात करते हैं। आघात बंद कर दिया एटले प्रत्याघात बंद थई जशे, यानी आघात बंद कर दिया अंदर से तो प्रत्याघात भी बंद हो जाएगा। तो क्या इसलिए दादा भगवान ने क्या बताया? तो कि मन वो ज्ञेय स्वरूप है, उसको देखते जाओ तो वो डिसॉल्व होता जाएगा। लेकिन मन के खाली साथ देखने चलने लगे, खाली देख हाँ विज्ञान दृष्टि से देखने का बस, हाँ बस देखने का, तो वो आघात और प्रत्या आघात का जो भाग है ना वो चला जाए तो फिर प्रत्याघात का भाग ही नहीं आए। लेकिन मन के साथ हम बैठ जाते हैं तो नया आघात डेवलप होते हैं, लेकिन अभी दृष्टि प्राप्त होने के बाद नया कुछ डेवलप होता नहीं है। नहीं है हाँ, तो कि ये आघात वो बंद हो गया, हाँ आघात बंद हो गया तो कि अभी उसको ज्ञेय देखो, ज्ञेय के स्वरूप में देखो। इसलिए दादा भगवान ने बताया ना कि मन के अंदर विचार फूटते हैं तो अपने को बोले कहा ठीक है नोट कर लिया, फिर बहुत परेशान करता है तो उससे बात करने का कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी आप 6:05 पर आना तब हम आपसे बात करेंगे। तो क्या वो जो भी अंदर चलता था प्रेशर में वो शांत हो जाएगा। फिर 6:05 बुलाने का, बोलो आप क्या बोल रहे थे, चलो, क्योंकि तब तक हमने शक्ति अर्जित कर ली दादा भगवान के पास से, शक्ति मांग के कि अभी वो जितना भी कूदा कूद करेगा ना तो हम उसको देख सकेंगे आराम से ज्ञेय के रूप से, ज्ञेय के रूप में। क्योंकि तो दादा भगवान ने कितना सारा अपने को पुरुषार्थ के लिए बातें बताई कि उसके साथ कैसे डीलिंग किया जाता है। तो ऐसे बात करते हैं कि वो ज्ञेय है, लेकिन ऐसे ज्ञेय स्वरूप में दिखना इतना आसान नहीं है। उसके उसके लिए दादा
उसके लिए दादा भगवान ने कई प्रयोग बताए, तब जाके धीरे 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 करके वो ज्ञेय स्वरूप से दिखाई देगा। क्योंकि ये आघात और प्रत्याघात वो पहले तो वो समझ में आएगा, जैसे जैसे हम हमारे मन को देखते जाएंगे ना तो हमें पता चलेगा क्या किस किस जगह पे वो प्रत्याघात करता है। किसी ने बोला कि संतोष तुझे ऐसा क्यों है, तू ऐसा क्यों है, तुरंत अंदर खड़ा हो जाएगा, मुझे बोला वो अंदर प्रत्याघात शुरू हो गए। इतले विज्ञान की दृष्टि से देखने का और जानने का, सब चीजें तुम्हारी देखने जाने की जानना चाहिए, इतनी जागृति हो जानी चाहिए। हाँ, और वो आज्ञा दृष्टि से ही जागृति आएगी। हम कितनी किसी भी एंगल से बात करेंगे लेकिन सेंटर आज्ञा दृष्टि रहेगी, क्योंकि अभी हम छूटे हुए हैं बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से संतोष और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा। ये जो भेद हुआ है, इसलिए दादा भगवान ने बताया ये पूरा जगत पजल में डिजोल्व हो गया था, लेकिन हमने आपका पजल सॉल्व करके दे दिया। अभी ये दृष्टि से आप देखोगे तो सारे पजल सॉल्व हो जाए। बराबर। और ये मन के विषय में जो खड़ा होता है, बुद्धि के विषय में जो खड़ा होता है, वो पजल ही खड़े करते हैं। ऐसा क्यों? वहां पे आज्ञा दृष्टि का उपयोग होगा तभी वो डिसॉल्व होगा। मूल पजल था मैं कौन हूँ, वो सॉल्व करके दे दिया दादा भगवान। लेकिन जो अज्ञान दशा में हम जो लेके आए वो बाकी रह गए, अभी वही बाकी है, और डेली रूटीन में वही हमारे सामने आते। बराबर। तो वो जैसे देखो ऐसा है, मुकुल भाई ने कुछ कहा तो कहते नहीं ने, हमको बोलना पड़ता है। जो भी कुछ कहते हैं तो आप सुनते नहीं है ना, आप विरोध करते हैं ना, तो वो आपका प्रत्याघात है। जो आगे आगे का घात हुआ था ना, आघात हुआ था, प्रहार हुआ था, उसके कारण आपका मन ऐसा बना है, विरोध करता है। अच्छा, बराबर है, विरोध करता है। तो आज अभी आप क्या करेंगे, कुछ भी आता है जिसके लिए आपका मन विरोध करता है तो आप एडजस्ट हो जाते, मन का सुनते नहीं है, मुझे संभव से निपटारा करना है। बराबर, आज्ञा में ले लेते हैं। हाँ, तो क्या होगा, वो प्रत्याघाती है, विरोध करता है, सामने प्रहार करता है, जो भी कुछ आता है उसका विरोध करता है, लेकिन आप संभव से निपटारा करना है और एडजस्ट हो जाते हैं तो उससे वो अभी आघात बंद हो गए। प्रत्याघात आज जो होता है वो आघात स्वरूप से होता है, जिसका आगे भविष्य में और भी प्रत्याघात आएगा। ओहो, तो आज आपके प्रत्याघात बंद हो गए, यानी वो आज का प्रत्याघात आघात है हकीकत में। अगर अच्छा। आप उसका विरोध को आधार देंगे, मन के विरोध को आधार देंगे तो बात और भी बिगड़ेगी। अच्छा, लेकिन कैरी फॉरवर्ड था। अभी कैरी फॉरवर्ड नहीं, वो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई। अच्छा, और भी गहरा होता है, लेकिन आज आप आज का आघात बंद कर देते हैं, आज का विरोध बंद कर देते हैं तो फिर वो समाधान हो जाएगा। इसीलिए ये ज्ञान से, आज्ञा से हमारा मन ऐसा बनता है कि कोई आघात नहीं देना, कोई प्रहार, कोई अटैक नहीं करना। अच्छा। जो है जैसा भी है संभव से निपटारा। अच्छा। तो हमारा अभिप्राय एक ही रहा, संभव से निपटारा करना है। चौथी आज्ञा, हाँ, चौथी आज्ञा और पहली दो आज्ञा जो है वो क्या है, ये रिलेटिव है, ये रियल है, यानी यही अभिप्राय, और आगे का क्या, संभव से निपटारा करना, ऐसा हमारा मन बनता है आज आज्ञा से। आज अच्छा। उसका पूरा परिणाम नहीं आता है, लेकिन उसका बंधारण ऐसा होता है, वो ऐसा बन रहा है, जिसका परिणाम जब वहां द्वापर के क्षेत्र में जाएंगे हम, महाविद्य क्षेत्र में, तो वहां ऐसा मन होगा कि वो दो ही विपुल से देखता है और एक ही भाव है, संभव से निपटारा करना है। अच्छा, आज ये विषमता आती है, प्रत्याघात आते हैं, विरोध आता है, सामने के मन से आपका मन एक नहीं रहता,
बराबर छे जैसे जैसे दादा भगवान बताते हैं मेरे मन से आपका मन हो गया जैसे मन वचन कहा कि आपकी जैसी सहजता मुझे प्राप्त हो जो बताते हैं ना हम प्रार्थना विधि में राइट हम हमारा मन दादा के मन से एक होना है ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं अच्छा अच्छा यानी दादा ने जो बताया वही सही है उसके लिए हमारा कोई विरोध नहीं बराबर छे तो बराबर अभी आज वो स्वीकार होगा नहीं क्योंकि पीछे का धक्का भारी है लेकिन हम उस पर अटल रहते हैं पक्के रहते हैं तो अच्छा। ये हो रहा है हमारा अच्छा। ये है ना कि आज्ञा में ही रहना है आज्ञा के आधार पर ही जीना है ठीक है अच्छा ठीक है संतोष आनंद जय सच्चिदानंद जय सच एक बात बताऊं आप बताइए बताइए दादा भगवान बताते थे कि ये जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उसको भी मन बुद्धि चित्त होता है और ज्ञानी को भी होता है लेकिन उनका जो डेवलप ऐसा ये जो पुरुषार्थ की श्रेणी से निकले हैं तो उनका ऐसा डेवलप हो गया है जो आज हमें करना है यानी हमारे लिए रोल मॉडल की तरह दादा भगवान थे कि उनका अंतस्करण कैसा बन गया था वैसा अंतस्करण हमारा होना चाहिए सबको ऐसा बनने का है पर बन नहीं जाते ना इसके पुट्टे ने प्रश्न होता है ना लेकिन इसलिए वही रास्ता भी वही दे दिया दादा भगवान बराबर छे पर माल जुदो जुदो भरो छे ने માલ તો બધા પેકિંગમાં માલમાં બધા તો અલગ અલગ જ લાવેલા છે ને પણ લક્ષ્ય એક થઈ ગયું છે બધાનું કે આ લક્ષ્ય પહોંચવાનું છે એટલે રાસ્તે કઈ રાસ્તે સે સબ લોગ જાયેંગે લેકિન મંઝિલ એક હી હૈ સબ કી જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ ડોક્ટર કશ્યપજી जय सच्चिदानंद सभी को दीपक जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद ये जो आप ये जो बताया उन बहन ने कि ये मन प्रत्याघाती है विरोध करता है वो तो समझ में आया विरोध करता है लेकिन ये आपने आघात करेला तेना प्रत्याघात छे ये आपने कौन मतलब ये कौन आपने कौन है ये समझ नहीं आया ये आपने यानी पहले अज्ञान दशा में नामधारी जो था वो तो उसने क्या किया जो है उस टाइम जब भी कुछ भी नामधारी के ऊपर कुछ भी बात निकली तब विरोध का आघात किया हुआ है उसने अंदर से आघात मतलब क्या कि कर्म बांधना होता है वो बोल सकते हैं आघात यानी कर्म बांधना वो बोल सकते तो उसका इफेक्ट आता है वही ना जो तो उस हिसाब से वो मन वैसे बंधा हुआ है आघात के स्वरूप में मन बंधा हुआ है तो अभी कोई भी बात करता है तो तुरंत उसका प्रत्याघात देता है देखो ये डिक्शनरी मीनिंग देखो आघात का प्रहार करना मारना प्रहार करना जी जैसे मान लो कि मान लो कि किसी ने पिछले जन्म में किसी को गाली दिया तो उसने अंदर में उसको अभिप्राय बांधा कि वो बहुत खराब व्यक्ति है जो है ठीक है तो मन जो है उसी इस अनुसार डेवलप होगा कि ये जो है कि ये व्यक्ति ऐसा ऐसा व्यक्ति ऐसा खराब होता है या ऐसा ऐसा तो उसमें जो जब वो जो है जब उसने वो अंदर बांधा कि वो ये ऐसा व्यक्ति बहुत खराब होता है या जो है इस तरह का व्यक्ति बहुत खराब होता है तो वो आघात होगा देखो एक दादा भगवान ने क्या बताया एक सिंपल तरह से समझना है ना तो दादा भगवान क्या बता देते तो के ये जो हमारा मन के अंदर जो होता है ना तो के बाहर हम नहीं जो बोलते कभी लेकिन अंदर अंदर एक 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 बानी अंदर चलती रहती है अंदर तो के कुछ भी होता है ना तो उसके अंदर आगा वो उसका उसके ऊपर प्रहार करता रहता है यानी दादा भगवान ने इसको बहुत सिंपल से समझा दिया कि लमड़े यानी एक खोट हम लेके आए हैं
तो वो खोट कौन सी लेके आए हम, क्योंकि तो पिछले अवतार में अज्ञान दशा में हमने जो 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 कर्म बांधे थे वो एक एक खोट स्वरूप हम लेके आए हैं। लेकिन अगर लेकिन अगर हम जी आपने क्या एक खोट लेके आए, खोट यानी एक भुगतान लेके आए हम, जो भुगतना पड़ा भुगतने का है इसलिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है कि पिछला जो खोट किया था ना उसको चुकाने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। तो ये खोट नहीं चुकाएंगे और नई खोट खड़ी करेंगे। तो यानी दादा भगवान ने क्या बताया कि एक खोट लेके आए थे और दूसरी खोट खाई, यानी उसको चुकाने के लिए दूसरा नुकसान किया, तो अभी फिर से मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा उसको चुकाने के लिए। तो ये पूरी साइकिल की तरह आघात प्रत्याघात साइकिल की तरह चलता है अज्ञान दशा में। बकरण जी प्रत्याघात का क्या डेफिनेशन है? प्रत्याघात यानी आघात के सामने का वो परिणाम है। जैसे कोई अगर मारता है तो हमारा विरोध होता है ना। हाँ। बताता हूँ एक मिनट। हाँ रिवेंज जैसा हो जाता है। हाँ रिवेंज जैसा सही है, बताता हूँ लेकिन एक ही मिनट। हाँ उसने अच्छा ये देखिए ये आघात यानी प्रहार करना मारना। अभी प्रत्याघात देखिए प्रत्याघात का आघात ही आघात के सामने हुई अपनी प्रतिक्रिया दिखाई दिया। ये दिखाई दिया आघात रिएक्शन। हाँ आघात के सामने का रिएक्शन हमारा विरोध। तो वही कर्म कर्म और उसका इफेक्ट के जैसे है ना, ये मुझे तो यही समझ में आया। नहीं वो कर्म है लेकिन विरोध उसका मतलब क्या है कि वो आज हमारा मन कैसा है सपोर्ट नहीं करता है। कोई भी बात आती है संतोष आनंद जी ने कुछ कहा तो मैं उसका विरोध कर लेता हूँ, एक्सेप्ट नहीं करता है। अच्छा अच्छा कोई भी बात हेमा बहन ने कुछ कहा तो मेरा विरोध होता है, मुकुल भाई ने कुछ कहा तो मेरा विरोध होता है। यानी किसी के मन के साथ मेरा एग्री नहीं होना तो उसका उसका असर बाद में अगले जन्म में आता है। आज अगर उसको सपोर्ट किया प्रत्याघात को सपोर्ट किया यानी विरोध को सपोर्ट किया तो वो आज का विरोध यानी आज का वो आघात है आगे का आघात का प्रत्याघात। आज का मेरा जो विरोध है ना वो आगे जो आघात हुआ था उसका प्रत्याघात है, उसका विरोध है, उसका ऑपोजिट है, उसका रिएक्शन है। और वो आज आघात के तौर पर काम करता है जिसका प्रत्याघात और आगे आएगा और आगे मल्टीप्लाई होता जाएगा मल्टीप्लाई होता जाता है। तो इसी तरह से मन की अलग अलग लेयर बनती रहती है ना यह मान्यता का। अच्छा मान्यता की लेयर बनती है। इसलिए दादा भगवान ने बताया ना आधार नहीं देने तो खत्म हो जाएगी ये उसको, उसको उसको जितना भी ऊपर नीचे होना है होने देने का लेकिन उसको सपोर्ट नहीं करने का उसकी बात हो। ये वहाँ जो, पे सही नहीं करने का तो खत्म हो जाएगा। जी सही कह रहे हैं आप। ये जो बोलते हैं मन विचरता है मन विचार आते हैं तो मन विचार आते हैं मतलब कैसे वो मतलब विचरता तो वो तो जो है मतलब शरीर के बाहर जाता नहीं है तो वो विचरता क्यों बोलते हैं उसको? विचरता यानी क्या है कि अभी एक अपने को मन के अंदर विचार फूटा कि मुझे कुछ करना है या किसी को कुछ देना है तो तुरंत उसके अंदर विचारों में हम विचरने लगेंगे कि ऐसे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसा करेंगे इस हिसाब से देंगे ऐसा देंगे तो वो उसके अंदर विचरते हैं। और वो विचरते हैं तो वो विचरने में कितना टाइम चला जाता है वो पता नहीं चलता, उसमें डूबना होता है एक तरह का। हाँ एक तरह से डूब जाना उसके अंदर क्योंकि तो घंटों चला जाएगा आवर्स के आवर्स चला जाएगा लेकिन पता नहीं चलेगा। कोई अपने आप पास में आएंगे और हिला के बोलेंगे कहाँ हो तब जाके बहन आएगा आओ मैं तो यहाँ पे था और अंदर तो कहीं पर भी विचारों में गुम हो गए थे। इसलिए कभी कोई बोलता है ना ऐसे क्यों बैठा है कहाँ गुम हो गया है तो वो विचारों में इतना तल्लीन हो गया होता है
हो जाता ना, तो कितना आवर्स चला गया पता ही नहीं चलता उसको। वो शुभ विचार में भी होता है और किसी को दिक्कत करने वाले विचारों में भी ऐसा होता है। किसी ने हमको कुछ बोल दिया अपमान जैसा, तो उसके अंदर फिर उसके पड़ गए, उसका अंदर पड़ गए, ऐसा पड़ता रहता है, तो उसके अंदर ही चलता रहता है। अभी मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसे जवाब दूंगा, ऐसे ऐसे ऐसे, वो उसके अंदर चलता ही जाता है। अभी ये जो खो जाना आप बताते हैं, तो ये जो है मतलब ज्ञान पहले आने से, ये सब जानकारी होने से पहले तो हमको ऐसे लगता था कि खो जाना तो अच्छी चीज है जो है, तो वो जो है मेडिटेशन करते थे, और क्योंकि हम आध्यात्मिक खोज थी, ठीक है, तो मेडिटेशन सीखा और उसमें खो जाते थे, तो लगता था कि ये तो अच्छी चीज हो गई जो है, आज तो पूरा खो गए जो है पूरा। लेकिन अभी जो है ये अक्रम विज्ञान बताते हैं कि नहीं, ये खो जाना जो है वो गलत चीज है, इसमें खो जाना नहीं है, जागृत रहना है। हाँ, तो उसके अभी मेडिटेशन और वो क्या था, वो अब उस वो पूरा मेडिटेशन यानी क्या है कि एक जगह पर केंद्रित होना, एकाग्रता उसको बोला गया, एकाग्र होना, और वो एकाग्र होने के लिए अहंकार की जरूरत पड़ती है, तब जाके एकाग्र हो पाते हैं कहीं पर भी। और जैसे जितनी जिसकी एकाग्रता बढ़ती है उसका अहंकार भी उतना डेवलप होता है, अहंकार भी उतना मजबूत होता है। अलग अलग होते हैं मेडिटेशन, कभी एकाग्र भी करते हैं लेकिन कभी उसमें खो भी जाते हैं पूरा। हाँ, तो उसमें इसलिए दादा भगवान ने बहुत सिंपल चार प्रकार के योग बताए दादा भगवान, मनोयोग, वाणी योग, काया योग और आत्मयोग। तो मनोयोग, वाणी योग और काया योग वो भौतिक के अंदर एस्टेब्लिश होती है शक्तियां, और आत्मयोग वो मोक्ष के काम में आएगा। तो हमें जो अभी मिला है वो आत्मयोग मिला, ये दृष्टि प्राप्त होने के लिए हमें आत्मयोग में बिठा दिया। तो अभी ये तीनों योग है, मनोयोग, वाणी योग, काया योग, ये तीनों योग को हम अपने सीट पर बैठ के तीनों को स्वरूप से देखते हैं कि मन क्या करता है, वाणी कैसी निकलती है और वर्तन क्या होता है, वो सब हम देख रहे हैं। जी, समझ में। तो ये अपने चलते चलते ये योग चलता है, 2400 घंटे ये योग चलता है। तो क्या अभी हमको समझ में आता है, किसी के प्रति हम अब शब्द बोले तो तुरंत समझ में आता है, हाँ ये गलत किया, नहीं करना चाहिए था, माफी मांगो, यानी वाणी योग। हम आत्मयोग में स्थिर है तब ये वाणी के ऊपर अपना योग हुआ, तो वाणी से हमें किसी को दुख पहुंचाया तो तुरंत पता चलेगा। ऐसे मन के अंदर ऐसे गलत विचार आए तो भी हमें पता चलेगा। वर्तन से कुछ किसी को मार दिया या किसी को कुछ भी कर दिया तो तुरंत समझ में आएगा। आपने जो बोला ना, दादाजी को अंतर अड़ी तप करना पड़ता था जब वो बोलते थे, वो समझ में करना नहीं पड़ता था, वो अधिक तप में ही थे, वो उनका उनको वो पूरा लाइफ उनका अधिक तप में ही थे। नहीं, ये मुझे समझ नहीं आया, अधिक तप मतलब कैसे होता, कैसे अधिक तप यानी क्या है? दादा भगवान ने बताया क्योंकि मैं कौन हूं वो समझ में आने के बाद, रियल और रिलेटिव और रियल दोनों भिन्न होने के बाद, वो भाष्यमान स्वरूप से मैं रियल स्वरूप से संतोष हूं ऐसा जो भास हो जाता है, वो नहीं होने देना, वहां पे तप है। अच्छा, तब की गहराई बहुत है, स्थूल से लेके रियल व्यू पॉइंट और रिलेटिव व्यू पॉइंट को एक नहीं होने देना, वो भी बहुत बड़ा तप। तो जब वो बोलने जाते थे तो उनको जो मतलब एडजस्टमेंट लेना मतलब जो उसमें वो दादा भगवान बताते थे कि हम शिखर की टोच पर बैठे हैं और कोई आके हमें पूछता है तो वो हमें टोच से नीचे उतर के उनके लेवल पर जाके बात करना पड़ता है, चोटी। उनकी जो चोटी पर बैठे और सामने वाले की जो आंतरिक भूमिका है
उनको समझने की, तो वो बोलते हैं हमें वो मशीनरी आती है ना, तो फास्ट और स्लो करने के लिए उसके अंदर पुली आती है और वो पट्टा लगाना पड़ता है, वो पुली पुली एडजस्ट करना पड़ता है कि हमें कि आपकी पुली छोटी है तो हमें उस हिसाब से हमारी पुली को एडजस्ट करके आपको बात समझ में आए वैसी बात हमें करनी पड़ती है। तो इसको तब क्यों कहा है? वो क्यों नहीं कहा इसको? क्योंकि वो उनको टोच से नीचे उतरना पड़ता है हमसे बात करने के लिए। उनकी जो आत्मा दशा में, जो अनुभव दशा में जो सुख है, वहां से नीचे उतर के हमारे साथ बात करना पड़ता है। अभी हमें कोई बोले 45 डिग्री टेम्परेचर है बाहर और फर्स्ट क्लास एसी में बैठे हैं और बोले कोई दरवाजा खटखटाए और बोले बाहर आओ बात करना है, और बाहर जाके बात करना है तो क्या होगा हमें? अच्छा ऐसा, तो क्या ऐसा है? वो अनुभव दशा में उतने टोच पर बैठे हैं और हम ऐसी अज्ञान दशा से उनसे बात कर रहे हैं, तो उनको वो कितना एडजस्टमेंट लेना पड़ता है हमको समझाने के लिए। तो उनके जो सुख है वो थोड़ा उसमें अंतर आता है, ऐसा है? नहीं, अंतर नहीं आता है ज्ञानी को, वो अंतर नहीं आता है, लेकिन कहने का मतलब वहां से नीचे आना पड़ता है, वो तप है, क्योंकि दोनों को डिफरेंस रखना है। जब उनका वो दोनों जगह पे, एक ऊंचे जगह से नीचे जगह पे आते हैं, तो ऊंचे जगह पे ज्यादा सुख होता है और नीचे जगह पे कम सुख होता है, ऐसा है? नहीं, कम सुख की बात नहीं, वो दशा में तो वो वही है, दशा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो दशा के बाहर निकलने का जो अंदर होता है ना, वो तप होता है। एग्जैक्ट मैंने समझाया ना, अगर मैं एसी वाली रूम में हूं तो कैसी ठंडक रहेगी मेरे को? तो लेकिन आप बोलते हैं ना कि वो सुख जो है वो समान सुख में कोई अंतर नहीं आता, ये तो अंतर नहीं आता है, इसलिए नहीं आता है कि वो अनुभव दशा में, इसलिए हाँ वो अनुभव दशा में है ना, इसलिए हम वो रास्ते पर होता, अभी हम रास्ते पर है तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि इन्होंने ऐसा किया ना, तो अंदर तुरंत कैसे डिस्टर्ब हो जाते हैं। सही है, उनको डिस्टर्ब भी नहीं होते हैं और सुख भी नहीं जाता, और फिर भी सामने वाले को मन को समाधान देते हैं। चलिए अधिक तब थोड़ा थोड़ा समझ में आता, पूरा मैं सही में बताऊं तो नहीं समझ में आता है एकदम, हो सकता है अनुभव आप रूटीन लाइफ में अनुभव करेंगे। अधिक तब यानी किसी को किसी को जाहिर नहीं होता है, अधिक तप वो खुद को ही पता चलता है। अधिक तप मतलब खुद को ही पता चलता है, वो खुद को यानी कौन? तो के अंदर जो प्रज्ञा शक्ति जागृत हुई है वो बताती है, जहां पर किसी को भी कोई भी अपने को गलत बोल के गया, अपना अपमान करके गया, अपने पास से कुछ लेके गया, और फिर अंदर जो उछल कूद होती है और वहां पे ज्ञान के आधार पर उसको समझ में आना, वहां पे तप होता है। अभी जैसे एक अगर मैं सही समझूं कि नहीं, मुझे एक एग्जांपल था कि जैसे मैंने कुछ एक ऑनलाइन ऑर्डर किया, ठीक है, उसने जो है मतलब उसने जो है वो उसने जो है उसको प्रोडक्ट ही नहीं दिया 2 महीने, और फिर बाद में जो है वो उसने वो कर दिया जो है क्या बोलते हैं रिफंड किया, लेकिन वो रिफंड भी जो है उनके अकाउंट में किया जो है, ठीक है, अब मुझे वहाँ प्रोडक्ट नहीं लेना, फिर वो मतलब मेरा वो पैसा गया, ठीक है, तो उसमें जो है अंदर से उस पे थोड़ा अंदर गुस्सा आया, ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर जो है मतलब अंदर फिर ध्यान में आया कि अभी तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो अभी इसको छोड़ना चाहिए और व्यवस्थित में डाल देना चाहिए, क्योंकि व्यवस्थित जो है वही है कि आपने जितना प्रयास करना है उतना करना है, ठीक है, बाकी अब फिर अपना जो है अपना हिसाब है वो, ठीक है, तो वो जो है अभी इसमें आप इसके रेफरेंस में आप समझाइए अधिक तब जो है कि अभी जो है ये इसमें कहीं अधिक तब हुआ, मतलब अंदर पहले एक क्षण के लिए जो है वो हुआ जो है गुस्सा आया उसमें, ठीक है, तो वो हुआ कि ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ऐसे होता है ना जो है, ठीक है, फिर उसके
जो है समझ में आया कि अभी कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए उसको, वो उसको कई दो बार बोल दिया तो भी वो जो है नहीं मान रहा है, ठीक है, हमको अभी क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा, ठीक है, तो व्यवस्थित नहीं डाल सकते ना, ठीक है, फिर अंदर से जो है वो एक्सेप्ट हो गया, वो एक्सेप्ट करने का है, अब वो शांत हो गया, ठीक है, तो अब इसमें आप बताइए अडिट, तब इसमें वो कुछ हुआ इसमें जो है? ये जो अंदर जो समझ से वो व्यवस्थित शक्ति की आज्ञा हाजिर हुई और वो जो समाधान हुआ ना वहां, वो अधिक तप, क्योंकि अंदर इंदर अंदर अंदर जो बुद्धि बुद्धि है अंतस्करण में, तो कितना उछल कूद हुआ कि नहीं मुझे तो ऐसा करना है ऐसा करना है ऐसा करना है, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, तो कि व्यवस्थित शक्ति के बाहर कुछ नहीं है, तो वो जो एक्सेप्ट हुआ और वो समाधान मिला वो अधिक तप हुआ, और अधिक तप यानी क्या है, तो कि वो मोक्ष की ओर ले जाएगा, संसार की ओर नहीं ले जाएगा। जो मतलब जो क्रोध से वापिस व्यवस्थित की तरफ जो गया, वो मतलब हाँ, वो वहां पे जाना है, क्योंकि कल अज्ञान अज्ञान दशा में हम जो भर के लाए ना, वो तो उछल कूद करता ही करेगा, बहुत करेगा, और जलाएगा बराबर अंदर अपने को, और वहां पे ज्ञान ज्ञान हाजिर रहेगा, अज्ञा दृष्टि हाजिर रहेगी, और समाधान होगा वो अधिकतम, और वो फिर बाहर कहीं जा किसी को बताएगा भी नहीं, वो अंदर इतनी ठंडक हो जाएगी, नहीं ये मेरा हिसाब आया, ये हिसाब चुकता हो गया, अब उसका जो उसकी जो ठंडक मिलेगी अंदर, उसका जो आनंद रहेगा, तो फिर दूसरा ऐसा कुछ आएगा तो तुरंत वो एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अधिक तप हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा, और उसके अलावा जो तप है वो संसार की ओर ले जाएगा, भौतिक सुख दिलाएगा, संसार में घुमाएगा, धन्यवाद। क्योंकि अधिक तप अभी ये आज्ञा दृष्टि क्या करवाती है, तो हमें जहां जहां पर भी आज्ञा दृष्टि हाजिर रहती है वहां पे हमें सभी महात्माओं को अधिक तप होता है। ठीक है जी, समझ गए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बेन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। ये अपने जो चरण विधि में बोलते हैं ना, मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, तो चेतना को तो विज्ञान घन स्वरूप कहा है, फिर वो मैं विज्ञान स्वरूप हूँ वो उसकी संदर्भ में आ जाता है। हाँ, तो इसमें 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 क्या समझना है, मतलब चेतन शक्ति तो विज्ञान घन स्वरूप है और हूँ विज्ञान स्वरूप है, मतलब फिर वहां हूँ किसके लिए बोला गया, क्योंकि शुद्धात्मा के लिए पूरी चरण विधि में तो शुद्धात्मा के लिए बोला। हाँ, तो शुद्धात्मा तो चेतन वाला ही पार्ट हुआ ना, चेतन वाला ही पार्ट हुआ, लेकिन अभी क्या है कि हमें कृपा से मिला हुआ है, इसलिए इसलिए पूरी चरण विधि है, और वहां पे क्योंकि अनंत अवतार से मैं संतोष हूं मैं संतोष हूं मैं संतोष, वो घूटा हुआ था, इसलिए मैं शुद्धात्मा हूं उसके सामने बोलते हैं, ताकि हूं जो अभी जहां पर बैठा है वो शुद्धात्मा हूं मैं शुद्धात्मा हूं मैं शुद्धात्मा हूं, तो वो पक्का होता जाए। और जैसे जैसे वो दशा हमें उस दशा में हम स्थिरता आती जाएगी, वैसे वैसे फिर शब्द का अवलंबन भी नहीं रहेगा, ये शब्द का अवलंबन है, क्यों, क्योंकि अनंत अवतार से हमारा अध्यास क्या था, क्योंकि मैं नामधारी हूं, तो उसके सामने अभी मैं शुद्धात्मा हूं उसका अध्यास चल रहा है, ये चरण विधि में है, वो प्रकृति और आत्मा का जो दोनों को जो अलग किया है उसकी पूरा, और प्रकृति का क्या स्वभाव है और आत्मा का क्या गुण है वो सब बताया हुआ, तो आमने सामने की पूरी चरण विधि में बात किया है। हाँ। लेकिन हमें ये कृपा से मिला है, इसलिए ये बोलने का,
मैं शुद्धात्मा हूं कब तक बोलने का है? तो कि जब तक वो पूरा अंदर उसके ऊपर के आवरण पूरा निरावरण नहीं हो गया, सब गलतियों से मुक्त नहीं हो गए तब तक बोलने का। जैसे ही सब गलतियों से मुक्त हो जाएंगे तो अनुभव दशा हो जाएगी हमारी, फिर ये शब्द का अवलंबन की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन है ना, इसलिए विज्ञान, इसलिए विज्ञान स्वरूप जो बताया ना, वही बताया कि अभी मैं शुद्धात्मा हूँ बोलना पड़ता है, फिर बंद हो गया तो वो विज्ञान में आ गए। लेकिन जो विज्ञान विज्ञान स्वरूप हूँ, ये तो मतलब प्रकृति के भाग को ही विज्ञान स्वरूप बोला है ना, क्योंकि चेतन वाला भाग तो विज्ञान का आ ही आ गया, इसके लिए तो नहीं वो रही नहीं। प्रकृति प्रकृति का जो भाग है ना, वो तो प्रयोग के रूप में, हाँ वो प्रयोग के रूप में है। और विज्ञान, हाँ हाँ ऐसा है। फिर विज्ञान घन, विज्ञान घन वाली, विज्ञान यानी क्या है? तो कि विज्ञान में कुछ करना नहीं पड़ता। हाँ, विज्ञान में कुछ करना नहीं पड़ता, विज्ञान में कुछ करना नहीं पड़ता। हाँ, तो कि हमें वो स्वरूप में बिठाया है, लेकिन अभी मैं शुद्धात्मा हूँ शुद्धात्मा हूँ शुद्धात्मा हूँ बोल के वो दशा पे जाएंगे तब हमें विज्ञान स्वरूप एग्जैक्ट समझ में आए। फिर विज्ञान स्वरूप क्या है, विज्ञान स्वरूप क्या है, जो आत्मा गण स्वरूप बताया ना, वही विज्ञान गण स्वरूप, उसी को ही विज्ञान गण स्वरूप बताया। हाँ, उसी को विज्ञान गण, तो उसी के लिए विज्ञान गण तो चेतना और आत्मा के लिए ही लागू हुआ है ना। हाँ, और ये जो पूरी व्यवस्थित की जो प्रक्रिया आई है वो विज्ञान स्वरूप में आई है ना। व्यवस्थित की व्यवस्थित का जो पूरा है वो, इसलिए उसको बोला साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति। हाँ, तो के वो प्रयोग के स्वरूप में है पूरा। तो जो 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 हम अवस्थित करके आए थे वो आज व्यवस्थित के स्वरूप में भुगत रहे हैं। और अंदर बैठा हुआ भगवान वो सब देख रहा है कि क्या अवस्थित किया था और अभी आज व्यवस्थित के स्वरूप में उसको स्वीकार करके उसको डिसोल्व किया, वो भगवान देख रहे हैं बैठे। जब अवस्थित किया था तब भी भगवान बैठ के देख रहे थे, अभी वो डिसोल्व हो रहा है तभी भगवान अंदर बैठ के देख रहे। लेकिन जब अवस्थित हुआ था तब मैं संतोष हूँ वो उस आधार पर अवस्थित हुआ था, अभी जब व्यवस्थित के आधार पर व्यवस्थित शक्ति से जो भुगतान होता है तब मैं शुद्धात्मा हूँ और ये रिलेटिव है, वो दृष्टि से उसका भुगतान होता है। तो वो सब में डिफरेंस हो गया। तो अंदर वाला भगवान जो बैठा देख रहा है, अवस्थित जो था उसमें विभाविक अवस्था के कारण उसको उसका मतलब जन्म मरण आ रहा था, है ना? किसका? जड़ प्रकृति का। तो उसको क्या बोला गया है? तो कि जो पूरा जो यात्रा है जीव की, हाँ, जो कर्म का बंद होता है फिर छूटता है, फिर बंद पड़ता है फिर छूटता है, वो एक ही समय में, अज्ञान दशा में एक ही समय में एक और कर्म छूटता है दूसरी और कर्म बांधता है। एक ही समय में वो साइकिल चल रही थी। तो क्यों वो साइकिल चल रही थी? तो क्या अज्ञान वहां पे अज्ञान क्या था? तो क्या मैं संतोष हूँ वो अज्ञान था, वो ब्लंडर्स थी, उसके आधार पर ये पूरी साइकिल चल रही थी। लेकिन अभी दृष्टि प्राप्त हो गई, बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं संतोष हूँ और बाय रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूँ, तो वो साइकिल ब्रेक हो गई। अभी वो भुगतान अकेला बाकी रहा है, अभी चार्ज बंद हो गया। क्योंकि चार्जिंग पॉइंट वही था ना ज्ञान दशा में। दादाजी बोलते हैं कि मतलब आत्मा शब्द तो 95% लोगों को पता है
कि आत्मा 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 तो सब जगह लिखा हुआ है, सब जगह पढ़ा हुआ है, सब जगह समझा हुआ है, पर तेरी जो अज्ञान दशा थी कि तू तेरी जो रॉन्ग बिलीफ थी उसके कारण तेरे को साइकिल चालू था, है ना? उसका अनुभव नहीं था ना, उसका अनुभव नहीं था, इसलिए दादा भगवान बताते थे ना कि शक्कर मीठी है, शक्कर मीठी है, शक्कर मीठी है, पूरी दुनिया बोलती है शक्कर मीठी है, लेकिन स्वाद कहाँ है? ये हमें ये प्रयोग करके वो स्वाद चखा दिया है कि शक्कर ऐसी मीठी होती है, लो चखो, और चखने के बाद हमें पता चला कि शक्कर ऐसी मीठी है, फिर हम दूसरे को बोलेंगे शक्कर ऐसी मीठी है, तो पहले हमारी जो दशा थी वही दशा सामने वाले की मीठी है लेकिन कैसी है, वो तो ज्ञानी चखाएंगे तभी पता चलेगा कि मीठी ऐसी कैसी मीठी है। हाँ, तो क्या पूरी दुनिया जानती है शक्कर मीठी है लेकिन कैसी है वो तो ज्ञानी चखाए तब पता चले। सही बात है, आत्मा आत्मा सब लोग जानते हैं लेकिन उसका अनुभव कौन, क्योंकि ज्ञानी करवाए तब उसके अनुभव का स्वाद आएगा, तब तक स्वाद नहीं आएगा उसका। मैं मुझे तब मतलब मैं हमेशा मेरे अंदर ये प्रश्न रहता था कि आत्मा सब जानते तो है फिर क्या है, आत्मा सब जानते तो है फिर क्या है। फिर अब मालूम चला कि जब जब ज्ञानी पुरुष उसे उसका स्वाद चखाते तो पता चला कि मेरी रॉन्ग बिलीफ से ज्ञानी पुरुष ही हटाएंगे। नहीं तो गीता में भी आत्मा लिखा हुआ था, सब शास्त्रों में लिखा हुआ था, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों बोलते हैं कि आत्मा जाना नहीं है, आत्मा जाना नहीं है, सिर्फ सुना है, सिर्फ जाना नहीं है। वो सब युग है ना, वो सब युग काल अलग था, तब मन वचन का एकता थी, तो उस आधार पर वो आत्मा दशा साध सकते, वो आत्मा तक वो रास्ते से पहुंच सकते थे क्योंकि मन वचन काय की एकता थी इसलिए। लेकिन ये काल डिफरेंट हो गया है, मन वचन का है कि एकता नहीं और आत्मा तक पहुंचना है, तो क्या कोई अनुभवी ज्ञानी पुरुष मिले जिसको आत्मज्ञान हुआ है और वो उसकी कृपा से हमें प्राप्त हो सकता है, और इसीलिए हमें कृपा से प्राप्त हुआ, इसलिए दादा भगवान उसके साथ और बताते थे कि अगर ये चौथा आरा होता ना तो ये ज्ञान मिलते उसको केवल ज्ञान खुला हो जाता। बिल्कुल सही बोला दादाजी ने। हाँ, लेकिन ये पंचम काल है इसलिए कृपा से मिला है, क्योंकि तो अंदर अंदर संपूर्ण खुला हो गया है लेकिन अभी प्रकृति वाला जो भाग बाकी है वहां पे अटके हुए हैं, तो उसको ही क्लियर करने के लिए पांच आज्ञा है। बिल्कुल सही है, कितनी हाई लेवल बात दादाजी ने बोली है सच में। चौथा आरा रहा होता तो क्या होता, सच्ची बात। इसलिए तो बताया ना खटपटिया मित्रा, खटपट करके दिया, बुला बुला के सबको दिया, बुला बुला के दिया। कृपा करुणा की दादाजी की। और चौथा आरा होता तो बुलाने जाते ही नहीं, वो अपने अंदर ही जो आया उसका काम हुआ, जो नहीं आया उसका कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। पंचम काल के दादा भगवान की करुणा कि बुला बुला के सामने से बुला बुला के दिया, मैं मोक्ष देता हूँ आजा, मैं मोक्ष देता हूँ आजा, करुणा थी उनकी। और उससे भी बड़ी बलिहारी कि किसी ने किसी को मोक्ष पंचम काल में किसी को मोक्ष में जाना नहीं है, ऐसे लोग सब इकट्ठा हो गए। हाँ, किसी को मोक्ष का पता ही नहीं है क्या है, पता ही नहीं है, सही बात है। वही ना, सब वो ऐसा लगने लगा सब कि मोक्ष तो बहुत मुश्किल की चीज है, वही सबके दिमाग में चल रहा है कि मोक्ष बहुत मुश्किल की चीज है, मोक्ष ऐसे ही थोड़ी मिलता है। वो बहुत पढ़ा है ना, बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, तो सब जिसको उसका सिद्धांत मालूम नहीं है और वो बताएंगे तो सहली चीज को मुश्किल करके बताएंगे, मुश्किल करके बताएंगे क्योंकि उनको तो मुश्किल ही लग रही है ना। हाँ, तो सिद्धांत पकड़ में नहीं आया ना, इसलिए सिद्धांत में पकड़ में आया हो तो वो सहली है, इसलिए दादा भगवान ने बताया ना खिचड़ी बनाने से भी सहला मोक्ष है। एक चीज आगे जाए,
हाँ बिल्कुल लागे जाए। हाँ जय सच्चिदानंद। नहीं एक प्रश्न है रेशम जी का, तो वो ले लेते हैं गीता पे। हाँ जरूर लीजिए, उनका जरूर लीजिए। जय सच्चिदानंद। रेशम मैम। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जो चरण विधि में आता है ना ये दखल वाला सब, हाँ उसको थोड़ा अच्छे से खोल के समझा ना। डको डकल ना करो, ये भी शक्ति है आपको। हाँ वो जो डको डकल वाली बात है ना, तो वो क्या है, क्योंकि आज आज हमें जो आज्ञा दृष्टि मिली है, आज्ञा दृष्टि मिली है बाहर से, फाइल कोई भी फाइल आई और फाइल का संभाव से निपटारा जो हो रहा है उसके अंदर, उसके अंदर हाँ। नामदारी की समझ डालना, उसको डको डखल बोला गया। और थोड़ा खोलना। अभी फाइल नंबर दो ने कुछ बोला कि आपको ऐसा करना है, तो फिर क्या करोगे? अच्छा लगेगा तो करेंगे, अच्छा लगेंगे तो करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो मैं भी कर। तो वो अच्छा लगना और ना अच्छा लगना वो किस किसको हुआ? नामदारी को। हाँ तो वो नामदारी की समझ से चले ना, कि आज्ञा दृष्टि से चले हम नामदारी के साथ। हाँ तो के अभी हमें ये जो दृष्टि प्राप्त हुई है, तो के वो दृष्टि के आज्ञा दृष्टि के अनुरूप हमें चलना है, और वहां पे उसकी जगह पे नामदारी की समझ से चले तो वो दखल कर दिया, डको दखल कर दिया। जो भुगतना आया था, जो हिसाब के अधीन हमें भुगतना आया था, तो उसका संभाव से निपटारा नहीं होने दिया। समझ में आया? डको डकल करो नहीं तेवी शक्ति आपो, यानी कैसा भी संजोग आए उसके अंदर में आज्ञा दृष्टि से ही रहूं। हाँ तो डको डकल नहीं है, और आज्ञा दृष्टि के अलावा कुछ भी यूज हुआ वो डको डकल हो गए। एक वो बात समझ में। हाँ दूसरा प्रश्न है, स्थूल सहयोग सूक्ष्म सहयोग वाणी के सहयोग पर है और पराधीन है, ये भी थोड़ा। हाँ वो क्या है, स्थूल सूक्ष्म, स्थूल सहयोग सूक्ष्म सहयोग और वाणी का सहयोग पर छे अने पराधीन छे। आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं डिस्कनेक्ट हो गया। अब बोलिए आपकी, वो म्यूट हो गया था। स्थूल सहयोग वाणी के सहयोग पर है और पराधीन। नहीं नहीं, नहीं नहीं आपकी बात सुनाई दी, संतोष आनंद जी को बोलता। संतोष आनंद जी आपकी आवाज बोलिए। स्थूल संयोग यानी जो आंखों से दिखाई दे, पंच इंद्रिय से जो अनुभव में आए उसको स्थूल संयोग बोला गया। सूक्ष्म संयोग यानी ये पंच इंद्रिय से जो दिखाई ना दे उसको समझ में ना आए उसको सूक्ष्म संयोग बोला। और वाणी का संयोग जो ये वाणी निकलती है उसका संयोग, ये तीनों पर है और पराधीन है। पर यानी दूसरे के है और पराधीन यानी पराधीन का हिंदी वर्ड क्या होता है, आधीन करवाना, दूसरों को आधीन, दूसरे के आधीन चलना। क्योंकि तो ये स्थूल संयोग सूक्ष्म संयोग वाणी ना वाणी के संयोग जो ऐसे है जो व्यवस्थित के अधीन है। अभी हमें दृष्टि प्राप्त हुई ना, तो उस आधार पर हम बोल सकते हैं कि व्यवस्थित के अधीन है। और पराधीन
यानी उसके अधीन है, वो ज्ञान हमारे हृदय में संस्थापित हो यानी पक्का हो जाए। ये स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग वो नामधारी के है, मेरा नहीं है। समझ में आया? क्योंकि स्थूल संयोग किसको बोला गया, तो कि कोई बाहर से आया, बाहर से कोई आया तो हमें समझ में आता है ना कि फाइल नंबर 2 आई, फाइल नंबर 3 आई, फाइल नंबर 4 आई, या कोई किसी का टेलीफोन आया तो बात करते हैं ना। हाँ। तो स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग यानी अंदर जो चलता है अंतस्करण में, अंतस्करण में जो चलता है उसको सूक्ष्म संयोग बोला गया। जो बाहर को कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी अंदर चलता रहता कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहिए था। अगर अभी ये आएगा ना तो मैं उसको बता दूंगी। हाँ। तो क्या वो सूक्ष्म संयोग, तो क्या वो मन के लेवल पर, अंदर अंतस्करण के लेवल पर जो चलता है ना उसको सूक्ष्म संयोग बोला गया। स्थूल संयोग यानी देह के संयोग, शरीर के संयोग को स्थूल संयोग बोला गया। और तीसरा है वाणी का संयोग, यानी ये जो स्पीच है हम बोलते हैं उसका संयोग, वाणी का संयोग। ये तीनों पर है और पराधीन है, दूसरे के है और दूसरे के अधीन करने वाले। तो के वो ज्ञान मेरे हृदय में पक्का हो जाए, संस्थापित हो जाए, ताकि कोई भी स्थूल संयोग आए, सूक्ष्म संयोग आए या वाणी का संयोग आए तो मैं ऐसा ना मान के बैठ जाऊं कि ये मेरा संयोग है। मौन, जो मौन बोलते हैं ना जी, हाँ? मौन को दादाजी की ज्ञान से कौन सा मौन कैसे होगा? तो दादा भगवान ने लोग जो मौन रखते हैं तो के बाहर से मौन है, बाहर से कोई शब्द नहीं बोलते स्थूल में, लेकिन अंदर बहुत वाणी चलती है। उसके सामने दादा भगवान ने बताया कि आत्मा, आत्मा के लिए जो भी वाणी निकलती है फिर भी वो मौन है। हाँ। आत्मार्थे निकलेली वाणी त्या मौन कहवाय, आत्मार्थे खावू एने उपवास कहवाय। क्योंकि जे जो जो क्रिया आत्मा को लक्ष्य में रख के किया जाए, जो वाणी आत्मा के लक्ष्य में रख के बोला जाए उसको मौन बोला गया। हम मौन यानी क्या समझते हैं कि बाहर बोलना बंद कर दिया उसको मौन बोल दिया, लेकिन भगवान की भाषा में क्या है मौन? तो क्या आत्मा के लिए बोला तो वो मौन है, और नामधारी के लिए बोला तो चाहे आंखें बंद हो चाहे मुंह बंद हो लेकिन अंदर वाणी चलती है वो मौन नहीं। बहुत चलता है, बहुत अंदर बहुत चलता है, इसलिए दादा भगवान ने बताया वाणी तो हिमशिला जैसी है। वो समुद्र आता है ना, समुद्र उसके अंदर जो बर्फ के पहाड़ होते हैं ना, वैसी वाणी है कि उसकी टोची बाहर दिखाई देती है, बाकी सारा पहाड़ तो पानी के अंदर होता है। तो क्या हमारी वाणी भी ऐसी टोच है ना, उतनी बाहर निकलती है, बाकी तो सब अंदर चलती है, छोटी बाहर दिखती है। जय सच्चिदानंद। संतोष राणा जी, हमारा समय हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाए, रेशम बहन आप फॉलो करिएगा। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंतानम्, नमो अरिहंतानम्, नमो सिद्धानम्, नमो सिद्धानम्, नमो आयरियानम्, नमो आयरियानम्, नमो वज्जायानम्, नमो वज्जायानम्, नमो लोई सव साहुणम्, नमो लोई सव साहुणम्।
ऐसो पंचन मुकारो ऐसो पंचन मुकारो सौग पावक प्रणासनो मंगलानं च संवेसिं मंगलानं च संवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद।